तो आज मैं अपने घर पर टीवी देख रहा था, इतने में मुझे याद आता मुझे टीवी देखते देखते सुबह के 10 बज चुके हैं, इसलिए मैं दौड़ते हुए चल देता हूँ अपनी छत की ओर ताकि मैं नहा लूं। और आज की इस वीडियो में हम लोग प्रेसिडेंट की कार चोरी करने वाले हैं, क्योंकि हमारे शहर में आए हुए प्रेसिडेंट और उनके साथ आई हुई उनकी गोल्डन कार, तो अब हम लोग देखते हैं उनकी कार चोरी कर पाते हैं या फिर नहीं। मोमेंट्स लेटर ओके, तो मैं नहा कर रेडी तो हो गया, तो चलो बाहर चलकर देखते हैं सच में हमारे शहर में प्रेसिडेंट आए भी हुए हैं या फिर नहीं, क्योंकि बहुत लोग हमें फेक न्यूज भी देते रहते हैं। तो आज मैं जाऊंगा अपनी बाइक से देखने, तो चलो आप लोग अपनी बाइक पर बैठ जाते हैं और चलते हैं देखने। तो मुझे लोकेशन तो यही तरफ की बता रही है कहीं, तो चलो हम लोग पहुंच के मिलते हैं उधर। ओके शायद से ये वही बिल्डिंग है जहाँ प्रेसिडेंट आए हुए हैं, तो इधर तो मुझे कोई सिक्योरिटी गार्ड या फिर कोई कार तो नहीं दिखाई दे रही, शायद से ये वो बिल्डिंग नहीं है। बट एक बार हम यहाँ दौड़ कर देख लेते हैं, शायद वो लोग यहीं कहीं पास हो, तो मुझे तो यहाँ कोई नहीं दिख रहा, शायद वो लोग इधर नहीं है भाई। ओके ये रहे ये देखो भाई साहब, वो रही गोल्डन कार प्रेसिडेंट की। और भाई यहाँ पर सिक्योरिटी तो बहुत कड़क है भाई, आज लगता है मैं दिन को इसे कुछ नहीं कर पाऊंगा भाई, भागो इधर से, नहीं तो वरना ये पुलिस वाले मेरे को यही पकड़ लेंगे। तो मैं रात को आऊंगा गाइस, क्योंकि दिन को चोरी करना बहुत मुश्किल है भाई, क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी इतनी ज्यादा, अगर मैंने अभी चोरी करने की कोशिश की ये लोग तो मुझे अभी पकड़ लेंगे। तो अब हम लोग वेट करते हैं रात होने का, और जैसी ही रात होगी तो हम वो बाइक चोरी कर लेंगे। तो चलो अब नाइट तो हो चुकी है, पर मुझे अपना भेष बदलना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने ऐसे ही कपड़े से गया उधर और उन्होंने मेरा चेहरा देख लिया फिर प्रॉब्लम हो जाएगी भाई, वो तो मेरे घर में आकर पकड़ लेंगे। तो चलो अब मैं इधर से उठा लेता हूँ अपनी बाइक और चलता हूँ डायरेक्ट उधर। मैंने अपनी बाइक्स पर कुछ इंजन वगैरह भी लगवा लिया है, जिससे मेरी बाइक्स सुपर स्पीड पर चलेगी और उन लोगों को पता तक नहीं चलेगा कि मैं कब आकर कार भी ले गया। तो मैं पहुंच तो चुका हूं, बट इधर से मुझे बहुत स्पीड में जाना पड़ेगा, और मैंने इधर से अपनी इंजन ऑन कर लिया है और तेज स्पीड पर मैं आ गया। तो चलो पुलिस वाले तो उसे ढूंढने चले गए जिसने इतनी तेज बाइक चलाई है, बट उन्हें क्या पता भाई, मैं तो उनके पीछे ही हूँ। तो जब तक वो उसे ढूंढ रहे हैं तब तक मैं इन सारी कार्स में स्टिकी बम लगा देता हूँ, और जैसे ये लोग आएंगे तो मैं इन स्टिकी बम को ब्लास्ट कर दूंगा। तो अब सारे के सारे पुलिस वाले आ चुके हैं और मैं यहाँ पर छिप जाता हूँ, और अब मैं कर देता हूँ यहाँ से अपने स्टिक बम को ब्लास्ट। तो सारे के सारे स्टिक बम ब्लास्ट हो चुके हैं और सारे के सारे पुलिस वाले भी इधर से मर चुके हैं। तो चलो हम लोग जल्दी से दौड़ कर जाते हैं और अपनी कार पर बैठ जाते हैं, क्योंकि अगर और पुलिस वाले आ गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब मैं अपनी कार पर बैठ तो चुका हूँ, चलो इधर से इसे बहुत दूर ले जाता हूँ जहाँ पुलिस वाले आ ना पाए। तो मेरे पीछे पुलिस पड़ चुकी है जैसा कि मैंने कहा ही था, तो अब लगता है मुझे पुलिस से फाइट लेनी पड़ेगी गाइस। तो अब मैं उतरता हूँ इधर से, तो मेरी इन पुलिस वाले से फाइटिंग शुरू तो हो चुकी है, बट ये पुलिस वाले ऐसे हैं जो कि अपनी कार से उतरने का नाम ही ले रहे हैं। ये लोग अपनी कार के अंदर से मुझ पर फायरिंग कर रहे हैं, और बहुत देर तक लड़ाई चलने के बाद जब मैं इनसे धीरे धीरे हारने लगता हूं, तो मैं खुद ही इधर से अपनी कार उठाकर निकल लेता हूं। बट मेरी कार पर बहुत सारे डैमेज भी पड़ चुके थे, जिसकी वजह से मेरी कार अच्छे से नहीं चल पा रही थी, और पुलिस वाले जो अभी ऐसे थे जो कि मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे थे, और इनसे बचने के लिए मेरा एक जगह एक्सीडेंट भी हो गया। इस वजह से मैं तेज स्पीड में इधर से निकल जाता हूँ जा रहे वाले रास्ते से, बट रास्ते में जाते जाते मेरे साथ कुछ ही ऐसा हो जाता है। और आज की वीडियो ये बस खत्म होती है, और आप लोग कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, एंड वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि 1K कंप्लीट करना है। तब तक के लिए बाय बाय।